मैंने सोचा था कि चेरी को साथ ले पाऊंगा, बट आई एम नॉट एबल टू टेक चेरी अलॉन्ग विथ मी. आई एम गोना मिस हर यार, लाइक आई एम गोना सीरियसली आई एम गोना मिस हर. हेलो गाइज, दिस इज योर बडी सुमित राज. वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल. सो दिस इज द वेरी फर्स्ट व्लॉग ऑफ माई यूट्यूब चैनल एंड इट इज गोना बी अ ट्रैवल व्लॉग सिंस आई विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम चंडीगढ़ टू कोचीवेली विच इज आई मीन डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला एंड विच वुड बी द लास्ट स्टॉप ऑफ आवर डेस्टिनेशन. एंड वहीं पे जाना है हमने. एंड द रीजन फॉर मेकिंग दिस व्लॉग इज दैट इट इज गोना बी अ कंटेंट वीडियो. आपको कंटेंट वीडियोज ही मिलेंगी क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मेरे पेट के साथ. आई मीन हर नेम इज चेरी एंड उसकी जो ब्रीड है दैट इज शिट जू. ठीक है. एंड अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट हैव एनी आइडिया दैट वेदर दे कैन टेक देयर पेट अलॉन्ग विद देम और नॉट एंड वॉट आर द प्रोसीजर्स इन दैट. सो अलॉन्ग विद दिस व्लॉग आई विल बी शोइंग यू और आई विल बी टेकिंग यू अराउंड विद ऑल द डॉक्यूमेंटेशन एंड जो भी चीज़ें होती हैं. सो जस्ट वेट फॉर इट. एंड जैसे हम नॉर्मली लड़कियाँ लड़के करते हैं, जितना मुझे इतना आइडिया नहीं है. So the outfit of my day is this, जो कि शायद दिख रहा होगा. हाँ, so this is my favorite cap. Mostly मेरे मतलब photos and videos में आपको ये दिखेगा because my brother gifted me this one and it's my favorite. And I have got a chest bag, ठीक है. Of course अपना purse पूर्स डालने के लिए और जो पैसे बचेंगे वो भी डालने के लिए. और दिस इज अ जैकेट ऑफ कोर्स यू नो एंड दिस इज अ हाई नेक सिंस ठंड काफी है. और सॉरी अभी का जो टाइम है इट इज अराउंड 5:30. मैं रेडी हो गया जल्दी बिकॉज अगर मैं सो जाता हूँ देन अगर लेट हो जाऊंगा सो इट इज गोना बी अ मेस. ठीक है. चेरी अभी सो रही है एंड शी इज एक्साइटेड एंड शी डू नॉट हैव एनी आइडिया कि वेदर आई मीन वेयर वी आर गोइंग एंड ऑल दैट शिट्स. एंड ऑफ कोर्स इट इज गोना बी अ लॉन्ग जर्नी फॉर हर. एंड वो सिर्फ 2 महीने की है. And yes, she's fully vaccinated. So, I'll take you around. अभी कैब बुक करना है, बहुत सारी चीजें करनी है. So, we'll take you around along with my journey. So, just stay tuned. So, guys, काफी ज़्यादा ठंड है आज. मतलब काफी ज़्यादा फॉग है. और नीचे थोड़ी विजिबिलिटी है, but since ये 9th floor में है, तो मे बी उस वजह से ज़्यादा फॉग यहाँ पे है. So, it's not that much visible. ये रही हमारी चेरी और बहुत सारा सामान और लिफ्ट. तो गाइज फाइनली हमारा सामान पधार रहा है बाहर. एंड चेरी ये रही उसकी केज जो कि फॉर द टाइमिंग के लिए रखा हुआ है. एंड इसको बाहर निकाल लेंगे फिर बाद में जाके. अभी के लिए मोर कन्वीनियंट है अगर मैं इसको अंदर ही रखूं. और वो रहा मेरा भैया और बंद हो चुका है. लेट्स गो. Here we are. और बेटे नहीं, इट्स ऑल गुड. सो मेरा भाई आ रहा है मुझे छोड़ने और ये रही चेरी एंड लगेज. और ये हेलो से हेलो. हाय हाय यार, बंदा बहुत नींद में यार. तो इतना बड़ा मुश्किल से मैंने बोल बोल के उठाया इसको. तो अभी शुरू करते हैं अपनी जर्नी. सो गाइस फाइनली पहुंच गए रेलवे स्टेशन और काफ़ी ठंडा है. रिजल्ट दिख रहा होगा आपको. तो चेरिया काफ़ी एक्साइटेड और डरी भी और उसको भी काफ़ी ठंड लग रहा है. और अभी अंदर जाना है लगेज एरिया के पास एंड फिर जाके लेना है टिकट्स. फिर मास्क वास्क पहन ले बिकॉज इट इज़ वेरी मच नेसेसरी टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग. एंड लोगों के सामने ऐसे ब्लॉक करना भी काफ़ी अजीब लग रहा है मुझे, बट स्टिल आई एम डूइंग इट जस्ट फॉर यू गाइस. तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी और बने रहिए. सो ऑफिस तो यहीं पर पता करना पड़ेगा कि क्या सीन है. तो गाइज जस्ट अभी पता करा, शुक्र है कि मेरा स्मॉल ब्रीड है तो तभी मैं साथ लेके जा पा रहा हूँ, वरना शी इज़ नॉट अलाउड. ठीक है. द रीज़न बीइंग जैसे मैंने बोला था, या तो फुल कंपार्टमेंट बुक करना पड़ता है या तो आपको कूपे लेनी पड़ती है. सो दैट इज़ द रीज़न. बाकी मैं आपको बताता हूँ. गुड गर्ल, वी सब सेट है, लाइक कोई इतनी इशू नहीं हो रही. पहले वो मना कर रहे थे कि नहीं होगा. द रीज़न बीइंग इज़ दैट यू हैव टू बुक अ फुल कंपार्टमेंट और मेरे पास वो नहीं था. बट मैंने उनको बोला कि चेरी इज़ स्मॉल एंड वो इतनी बड़ी नहीं है
और वो सिर्फ 2 महीने की एंड उसका अलग सा केज है और किसी पैसेंजर्स को दिक्कत नहीं होगा एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मतलब किसी को कोई इशू ना हो एंड लोगों के सामने ब्लॉग करना इज काइंड ऑफ थोड़ा वियर्ड क्योंकि मेरा वेरी फर्स्ट टाइम है एंड सारे लोग घूरते रहते हैं कि क्या कर रहे हैं बंदा बट चेरी इज डूइंग फाइन बट उसको शायद ठंड लग रहा है तो दिखाता हूँ यार क्या कर रहे हैं चेरी और हाँ इसी के साथ साथ मैं आपको फर्स्ट एसी का रिव्यू भी दूंगा कि मतलब क्या है क्या नहीं है एंड कैसी कैबिन्स होती हैं बिकॉज काफ़ी लोगों ने नहीं देखा है एंड आई एम गोना एक्सपीरियंस इट सून सो डेफिनेटली आई एम एक्साइटेड एंड बस यार देखते हैं क्या होता है गाइस मेक श्योर दैट यू शुड हैव द प्रिंट आउट अलॉन्ग विथ यू जो आपका इलेक्ट्रॉनिक टिकट है वो चल जाता है बट द थिंग इज कि अगर आप अपने पेट के साथ आ रहे हो यू शुड हैव दैट हैंडी ठीक है ताकि जो आपके पेट का जो टिकट आएगा वो उनके साथ वो अटैच कर पाए सो अभी मुझे उस चक्कर में घूमना पड़ रहा है यहाँ वहाँ पे एंड ढूंढना पड़ रहा है प्रिंट आउट शॉप्स एंड स्टफ जो कि मुझे नहीं मिल रहा है क्योंकि इतनी सुबह सुबह कोई दुकान खुली नहीं होती अभी भाई साहब इतना चल लिया मतलब रेलवे स्टेशन है वहाँ पे और इतना आगे को आना पड़ रहा है एंड आगे पूरा है हाईवे और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं प्रिंट आउट लेने कहाँ जाऊँ आई विश मैंने ले ली होती प्रिंट आउट क्योंकि मुझे यहाँ पे तो कोई आसपास दुकान दिख नहीं रहा है जहाँ पे प्रिंट आउट मिलने का कोई चांसेस हैं एंड मोर ओवर इट्स जस्ट आई गेस 8 o'clock इन द मॉर्निंग एंड इतनी सुबह सुबह इतनी ठंड में कोई दुकान खुलती नहीं है तो आई डोंट नो व्हाट शुड आई डू नाउ मे बी आई गॉट अ सर्च तो वही करना पड़ेगा यार काफ़ी भाग दौड़ है नींद की किरण नज़र आ रही है वैसे शायद मैं सही हूँ मतलब शायद मुझे मिल चुका है जो मैं ढूंढ रहा था आई मीन द प्रिंट आउट हाँ मिल गया आई शो यू गाइस सो गाइस जो फाइनली जो चीज़ चाहिए थी वो मिल चुकी है द टिकट इन हैंडी ठीक है अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा मैं इनको जाके पकड़ा दूंगा उनको एंड जो चेरी की टिकट है वो इसके साथ अटैच करके ये पकड़ा देंगे एंड फिर कोई इसी भी नहीं है जब ट्रेन आएगी अपने चेरी को बिठाओ अपने साथ और ले जाओ केरला गाइज एज वी से कि हमेशा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ही होती हैं मैंने सोचा था कि चेरी को साथ ले पाऊँगा बट आई एम नॉट एबल टू टेक चेरी अलॉन्ग विथ मी सिंस कुछ कुछ इश्यूज़ हुए हैं विच आई एम गोना शेयर फॉर श्योर एंड देर इज़ माई भाई आई एम ग्लैड कि वो आया मुझे छोड़ने यहाँ पे सो आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस विद इंडियन रेलवेज विद यू गाइज सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड जैसे मैंने ये गलती तो नहीं कह सकते बट द थिंग इज पार्सल वालों की काफ़ी गलती है दे शुड हैव टोल्ड मी प्रियोर ताकि मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करता यहाँ वहाँ भागता नहीं प्रिंट आउट के लिए आई एम गोना मिस हर यार लाइक आई एम गोना सीरियसली आई एम गोना मिस हर आई एम ग्लैड कि भाई है अभी सिचुएशन में मेरे साथ अदरवाइज पता नहीं मैं क्या करता और चेरी को कहाँ पर छोड़ता साथ में लेके जाना पड़ता फिर बट ट्रिपल से भी 4 times फाइन देकर Happy journey.